हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज द यूनिट फिफ्थ ऑफ द अप्लाइड फिजिक्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको कराया था कि रिड्ज बॉडी क्या होती है। क्या बोल बताया था मैंने आपको? रिड्ज बॉडी के बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। थर्ड केस में मैंने आपको बताया था प्लास्टिसिटी के बारे में। और उसके बाद में मैंने अगर आपको बताया होता तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्ज बॉडी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी। कौन कौन सी बताई थी? रिड्ज बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी। इसके बाद में मैंने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पर बताया था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी आपको मैंने जब बताया था, स्ट्रेस हमारे पास में जो था वो था फोर्स अपॉन में एरिया। तो स्ट्रेस हमारे पास में दो तरीके से था। एक को कहा था मैंने नॉर्मल स्ट्रेस और एक को कहा था मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद में मैंने नॉर्मल स्ट्रेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसका बोला मैंने क्या कहा था, टेंशियल स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया था आपको स्ट्रेस, और एक था हमारे पास में कंप्रेशन स्ट्रेस। इन दोनों की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या बताई थी, लेंथ इंक्रीज और इसके केस में क्या हो रहा था, लेंथ डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, लेंथ डिक्रीज। तो ये केस हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर किया था। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी है, टेंशियल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस। तो इन दोनों की अगर मैं बात की, इसके अंदर आपके क्या हो रही थी, लेंथ इंक्रीज हो रही थी, और इसके अंदर क्या हो रही थी, लेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो ये केस हमारे पास में हमारी लास्ट वीडियो का था। अब मैं जो हमारा नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं हम, स्ट्रेन के ऊपर। किसकी मैं बात करता हूँ, स्ट्रेन। ठीक है, कि हमारे पास में स्ट्रेन क्या होता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी देन द बॉडी डिफॉर्म इट्स सेप साइज एंड पोजिशन। ठीक है, या कह दीजिए रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन सेप साइज एंड पोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग नेम स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होता है कि हमारे पास में कि कितना डायमेंशन के अंदर में क्या हुआ, चेंज हुआ, और कितना हमारे पास में ओरिजिनल डायमेंशन थी। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कराता हूँ कि हमारे पास में स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, और उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज माय द फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, when a deforming force on a body then the body undergoes a change in its shape, size and position. ठीक है, तो strain is defined as the change in dimension
चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात कहना चाहूँ स्ट्रेन की, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारे पास में, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में क्या रहेगा, ओरिजिन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये हमारे पास में केस है, ये याद रख लेना। दिस इज, इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। दिस इज द फॉर्मूला, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये कह देना चाहिए, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्या चीज है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज जस्ट लाइक अ नंबर। ये केवल क्या चीज है, एक नंबर है, नंबर। सो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, सो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक। इट मीन्स डायमेंशन मीन्स, डायमेंशन मीन्स, डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेंथ, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, शेप, शेप, साइज एंड पोजीशन, कुछ भी हो सकता है किसी भी पोजीशन में। ठीक है, डायमेंशन, इसलिए इसको मैंने क्या कहा है, डायमेंशन की बात कर दी है। देयर इज नो यूनिट, क्योंकि अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड ओरिजिनल लेंथ की जो यूनिट है वो भी क्या चीज़ है, मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ नंबर, ये क्या चीज़ है, एक नंबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देर इज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ आपसे तो ये था हमारे पास में स्ट्रेन की, मैं बात कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये डायमेंशनलेस है, जस्ट लाइक अ नंबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है, तो कुछ भी दे सकता है, डायमेंशनलेस दे सकता है, नो यूनिट दे सकता है, या मीटर, न्यूटन पर मीटर दे सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे स्ट्रेन की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ स्ट्रेन, स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन। हमारे पास में अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। हमारे पास में तीन तरीके का स्ट्रेन रहेगा, और वो कौन कौन से तरीके के रहेंगे वो ये चीज़ देखिए। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की मैं बात करता हूँ लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और थर्ड है हमारे पास में शियर स्ट्रेन। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास में तीन तरीके के स्ट्रेन रहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ आपसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की? तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिस इज, अगर मैं इसके चेंज की मैं बात करता हूँ, दिस इज द चेंज, ये हमारे पास में कोई बॉडी है इस तरीके से, ये हमारे पास में एक बॉडी है, इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया हमने, एक फोर्स लगा दिया है। क्या लगा दिया? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉडी। तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो इतना लेंथ में हमारे पास में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। दिस इज द चेंज, ये है हमारे पास में लेंथ। अगर मैं लेंथ की मैं बात कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कैपिटल एल हो गई, और ये जो लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है, वो क्या है, स्मॉल एल होगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या चीज़ है, ये वाली चेंज इन लेंथ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली क्या हुआ है, चेंज हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रेन हमारे पास में क्या रहेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ ओवर में क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास में, सॉरी, ये स्ट्रेन नहीं, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गी शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास में क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, इसके क्या हो रहा है, लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूमेट्रिक की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं बात करता हूँ, सेकेंड पार्ट पे जो हमारे पास में है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाला नंबर है, वो क्या चीज़ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास में क्या रहेगा, सिंपल वही है हमारे पास में कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में ये ही रहेगा, व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड
डिफॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स देन द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, चेंज आएगा। अब देखिए, ये हमारे पास में इस तरीके से कोई क्या चीज़ थी, एक बॉडी थी। क्या थी हमारे पास में, ये बॉडी थी। इस पे इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से आपने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाइड कर दिया। समझ में आ गया, हो गया। जब सभी तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। तो ये बॉडी कंप्रेस होकर के इस तरीके की ये बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इस तरीके की ये बॉडी हमारे पास में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या थी हमारे पास में, ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको मैंने क्या कह दिया था, वी कह दिया था। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या रहेगा, इसको कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। तो इतना वॉल्यूम हमारे पास में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं बात करता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास में क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर में क्या रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास में डेल्टा वी अपॉन में कैपिटल वी क्या रहेगा, डेल्टा वी ओवर में कैपिटल वी। ये हमारे पास में क्या रहेगा, केस रहेगा डेल्टा वी ओवर में कैपिटल वी। तो यहाँ तक आपने देख लिया, ये चेंज हो रहा था हमारे पास में इस तरीके से। जब ये हमारे पास में ओरिजिनल वॉल्यूम था तो ये कंप्रेस हुआ था। तो ये सारी चीज़ आपने इस तरीके से देख ली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड केस आ जाता है आपका, समझ में आ रहा है ना। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और आप और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में शीयर स्ट्रेन। क्या चीज है हमारे पास में, शीयर स्ट्रेन is defined as the angle through which an object is sheared with the application of टेंजेंशियल स्ट्रेस। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, ये कहता है एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज शीयर्ड। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट शीयर्ड करेगा, मतलब विच इज मूव टू पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, तो उसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह देते हैं, या हम कह देते हैं शीयर स्ट्रेन। तो हमारे पास में देखिए, ये कोई बॉडी है हमारे पास में, दिस इज अ बॉडी, देन द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज फिक्स्ड सरफेस। ये क्या हो गया, फिक्स्ड सरफेस हो गया, और इस डायरेक्शन में
आपने ये देख रहा होगा, रेड से मैंने इसको क्या कर दिया है, मूव कर दिया है। इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, दिस इज द, दिस सरफेस इज फिक्स, देन द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द फिक्स सरफेस। तो बॉडी हमारे पास में इज डिफॉर्म, तो बॉडी हमारे पास में इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी भैया, इस तरीके से क्या हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। और जो बॉडी आएगी वो इस तरीके से हमारे पास में आएगी, दिस इज द एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस साइड इज एल एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एक्स। तो ये भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ये लेंथ क्या रहेगी हमारे पास में, एल रहेगी। ठीक है, अगर बॉडी की आप नेमिंग करना चाहते हो तो नेमिंग आप कर सकते हो ए बी सी डी, दिस इज अ बॉडी। आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, दिस इज पार्ट, दिस पार्ट द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज फिक्स, देन वी फोर्स, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बॉडी इन द पैरेलल डायरेक्शन। यह ठीक है, ये आ गया पैरेलल टू द नॉर्मल सरफेस। तो इस डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। जैसे ही फोर्स करेंगे तो बॉडी क्या रहेगी, कोई भी बॉडी हमारे पास में इस तरीके से थी, इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बॉडी इस तरीके से हो जाएगी फिक्स सरफेस के साथ में। तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसकी चेंज की मैं बात करता हूँ, तो नाउ नाउ इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की मैं बात कर देता हूँ तो मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे डी ए, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ए डैश, और ये आ जाएगा बी डैश। ठीक है, तो डी ए ए डैश, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ दिस इज द टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास में क्या रहेगा, ये दिख नहीं रहा ना, इससे लिखते हैं दिस इज द टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इज हमारे पास, दिस इज द परपेंडिकुलर, इट मीन्स ए ए डैश अपॉन में ए डी। तो ए ए डैश, ए ए डैश मीन्स एक्स अपॉन में एल। तो नाउ नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सो टेन थीटा इज सम इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल, ये आ जाएगा। तो हमारे पास में शियर स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन में एल, दिस इज द इक्वेशन। ये हमारे पास में इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाती है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ये कहता है शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच, एंगल हमारे पास में है थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में हमारे पास में एल एंड एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस शियर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियली स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारे पास में है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये पता ही होगा स्ट्रेस, स्ट्रेस हमने कल पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो क्या था हमारे पास में, फोर्स ओवर में एरिया। ठीक है, इसको प्रेशर भी कहते हैं, लाइक अ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या चीज़ है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो ये इतना आपने देखा, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। ठीक है, क्या होती है इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हुक्स लॉ को पढ़ाने से पहले हम बताएंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या रहेगी। तो देखते हैं इलास्टिक लिमिट के बारे में, सभी वीडियो को शेयर करते चलें जिससे और बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते रहें। ठीक है, और सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। इलास्टिक लिमिट देखिए, इलास्टिक लिमिट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। यही लिमिट बताती है कि किसी भी वायर की, किसी भी बॉडी की कितनी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ द मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस
विद इन विच द बॉडी रिगेन्स द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड पोजिशन। आफ्टर removal of deforming force is called elastic limit of the body। आ गया बिल्कुल समझ में। दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस। वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा कि कितना हमारे पास में प्रेशर रहेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, विद इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड पोजिशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अगर इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा किसी भी बॉडी पर क्या लगा दिया हमने, फोर्स अप्लाई कर दिया या प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, हम वो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए भाई इतने ज़्यादा। जैसे आपने बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा जो क्रेन होती हैं उनके अंदर एक वायर होता है, व्हाट इज़ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर, कि मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आपका गेन कर सकती है। कि मान लीजिए 1000 आपका केजी हो गया या 2000 केजी हो गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं मैक्सिमम कितना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक क्या देखा जाता, मैक्सिमम स्ट्रेस देखा जाता है विद इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल, कि कितना मैक्सिमम रहेगा अगर उसको हटाने के बाद में बॉडी किस में अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाए। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब तो आप जानते ही हो, दो तरीके के फोर्स होता है। एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जो बॉडी के अंदर क्या करता है, पोजिशन शेप या साइज को क्या करता है, चेंज करता है, और एक क्या होता है इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं, और एक क्या होता है हमारे पास में रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं, वो बॉडी को क्या करता है अपनी ओरिजिनल शेप साइज और पोजीशन के अंदर वापस उसको ले आता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर चेंज करेगा और ये रिगेन इट्स पोजीशन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये किसके उसमें आ जाता है, ये हमारे पास में इंटरनल फोर्स के अंदर आ जाता है। अगर मैं ये बात कहूँ इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड द इलास्टिक लिमिट तो क्या होता है, ये नोट में लिख लेना, नोट नंबर 1 क्या होगा, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स exceeds the elastic limit क्या हो जाता है, अगर ये the body acquires a permanent set then the body acquires a permanent set, क्या कहते हैं इसको, परमानेंट सेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, और डिफॉर्मेशन, क्या कहते हैं इसको, डिफॉर्मेशन और ओवर स्ट्रेंड, ये हमारे पास में ये कहलाते हैं। ठीक है, अगर बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इलास्टिक लिमिट से, द बॉडी क्या हो जाती है, परमानेंट सेट हो जाती है, जिसको क्या कह देते हैं, डिफॉर्मेशन भी कह देते हैं और ओवर स्ट्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपने इस तरीके से देख लिया। अब मैं बात करता हूँ आपसे हुक्स लॉ की, तो मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे हुक्स लॉ की, मैं बात कर रहा हूँ, हुक्स लॉ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है।
हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखिए, ये है हमारे पास में हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ तो हुक्स लॉ ने क्या कहता, क्या कहा था, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास में इनका जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने जो अपना लॉ दिया था वो दिया था अपने, इन्होंने जो ये हुक्स लॉ दिया था 1679 मतलब 1679 में इन्होंने हुक्स लॉ के बारे में कहा था। ठीक है, इन्होंने ये लॉ 1679 में दिया था, और ये कहाँ के थे, ये हैं हमारे पास में इंग्लिश फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट, और ये फिजिक्स में इन्होंने लॉ दिया था। तो क्यों, क्या लॉ दिया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक स्टेट दैट, रॉबर्ट हुक स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑन अ बॉडी। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कह दिया था एक्सटेंशन प्रोड्यूस डायरेक्टली है हमारे पास में किसके, अप्लाइड फोर्स के, फोर्स के, ये हमारा रॉबर्ट हुक्स ने कहा था। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इन 1807 थॉमसन यंग स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और इसको क्या कह सकते हैं, और लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ तो हमारे पास में रहेगी, विद इन द इलास्टिक लिमिट, लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी। दिस इज द स्टेटमेंट। और अगर इसको देखा जाए तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के,
और अगर मैं ये कहूँ स्ट्रेस इक्वल टू हमारे पास में कोई कांस्टेंट है इनटू में स्ट्रेन, और स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन क्या हो गया हमारे पास में इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द हुक्स लॉ। क्या रहेगा ये हमारे पास में, क्या रहेगा हुक्स लॉ रहेगा इस तरीके से। अब मैं ये कहना चाहूँ वेयर वेयर द कांस्टेंट इज अ द टर्म कांस्टेंट, द टर्म कांस्टेंट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट विच इज एल्सो नोन एज एज, इसको क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक और नाम है इसका कोफिशियन ऑफ इलास्टिसिटी सिटी। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आ गया। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी तो क्या रहेगी हमारे पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये है हमारे पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिटी किसके बराबर हो जाएगी स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन के। ये हमारे पास में इसके एक और टॉपिक रह गया है वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज़ द स्ट्रेन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, साथ में मैंने आपको हुक्स लॉ के बारे में भी बता दिया। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके थैंक यू बाय।